टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया वो देखते हैं देखो गवर्नमेंट क्या कर सकती है या तो आपको फेयर प्राइजेस दे सकती है या तो जैसे मंडी मैंने बोला उसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट वो ऑपरेट करने में आपकी हेल्प कर सकती है तो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडोप्टेड द फॉलोइंग मेजर्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग फर्स्ट वन वॉज रेगुलेटेड मार्केट्स यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशन में ही सारा काम होगा जैसे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी वैसे ये मार्केट फंक्शन करेगा द फर्स्ट मेजर वॉज द रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन क्या होना चाहिए सब सिस्टमैटिक होना चाहिए प्लस इट शुड बी ट्रांसपेरेंट कुछ भी हिडन नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी कि फार्मर्स को फेयर प्राइजेस दिलाने हैं ठीक है यहाँ पे क्या एक और टर्म आप समझ लो दैट इज एम मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेगुलेटेड मार्केट जरूर है यहाँ पे ठीक है गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी बट गवर्नमेंट क्या करती है डिसाइड करती है कि एम एस पी कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इससे कम तो फार्मर्स को पैसे नहीं ही मिलने चाहिए ये मिनिमम प्राइस है इसके ऊपर अगर मिल रहा है डिमांड है और इसके ऊपर मिल रहा है फार्मर्स को मनी तो दैट इज़ ओके बट इसके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए बिकॉज दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो फार्मर्स को अवेलेबल होनी चाहिए मिलनी चाहिए इसीलिए उसको एम बोला है हमने वो होगी तो फार्मर्स एटलीस्ट लॉस में नहीं जाएंगे रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बिन ऑर्गेनाइज व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द मैल प्रैक्टिस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स क्या होता है अगर फार्मर्स से मैं हाई प्राइस मैं है ना फार्मर से किसी भी लो प्राइस में ले लेती ले हूँ और बाद ने मार्केट में जाकर मैं कंज्यूमर को कोई भी हाई प्राइस पे बेचती हूँ वो भी नहीं चलेगा यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला हम रेगुलेट करेंगे भाई प्राइसेस क्योंकि तो आप तो सुन नहीं रहे हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि फार्मर्स को भी एक एमएसपी दे दी और कंज्यूमर्स के लिए भी यह अच्छा होगा क्योंकि अगर आप उतना हाई प्राइस पे ले ही नहीं रहे हो ठीक है तो आप उतना हाई प्राइस पे बेचोगे भी नहीं तो कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिट है प्लस फार्मर्स के लिए भी यहां पर बेनिफिट था उनको बराबर प्राइस मिलते थे और प्लस कंज्यूमर्स को भी बराबर प्राइस में गुड्स अवेलेबल होते हाउव देर इज स्टिल अड टू डेवलप अबाउट ट्वेंटी से फुल पोटेंशियल अभी भी हमें ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मार्केट डेवलप करने पड़ेंगे हमारे पास में कितना प्रोड्यूस है कितने फार्मर्स है सोचो दैट मीन्स हमारे पास में कितना पोटेंशियल है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं वही यहाँ पे बोला जा रहा है टू यूटिलाइज द टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केट्स उसके लिए हमें और पीरियोडिक मार्केट्स और हमें पीरियोडिक मार्केट सेट करने पड़ेंगे नाउ इंफ्रा फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन आ गया है ना कनेक्टिविटी आ गई रोड से कनेक्ट नहीं कर पाओगे रेलवेज हो गए वेयर हाउसेज हो गए गोडाउन हो गए फार्मर्स को स्टोरेज की फैसिलिटी देना हो गया तो ये सब भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे मिनिमम रेट पे या कुछ भी तो वैसे क्या हो गया रोड्स और रेलवेज तो गवर्नमेंट बनाएगी बट गोडाउन फैसिलिटी स्टोरेज फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे या कम रेट पे प्रोवाइड करेगी आपको द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स रेलवेज वेयर हाउसेज गोडाउन वेयर हाउसेज क्या होता है जहाँ पे आप स्टोर करते हो वही गोडाउन जैसे ही होता है कोल्ड स्टोरेज कोई ऐसे गुड्स हैं जो पेरिशेबल है जो, जो खराब हो जाएंगे तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है ठीक है जहाँ पे ठंडक हो देन प्रोसेसिंग यूनिट्स जहाँ पे प्रोसेस करोगे आप अपने गुड्स को तो प्रोसेसिंग यूनिट्स भी चाहिए द करंट इंफ्रा फैसिलिटीज आर क्वाइट इनएडिक्वेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूवड अभी भी ये फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज बट दे आर स्टिल इम्प्रूविंग इन दिस अभी भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग द एम ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज टू रियलाइज अ फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स प्रोडक्ट्स

मेरा पार्टनर भी अनियन मेरे जो नेबर है वो अनियन ग्रो करते हैं और हमारे जो सामने रहता है वो भी अनियन ग्रो करता है तो अब हम तीनों के पास में बहुत सरप्लस हो गए तो हमारे पास में जितने भी अनियन्स है वो हमने पूल किए और अब हम एक साथ मार्केट में बेचेंगे तो क्या होगा मेरे पास अगर ट्वेंटी के है इनके पास ट्वेंटी के है उसके पास ट्वेंटी के है तो ट्वेंटी ट्वेंटी करने की जगह हम सिक्सटी सेवेंटी के अगर एक साथ में बेचेंगे तो क्या है हमारा हमारे पास ज़्यादा सरप्लस है बेचने के लिए तो उससे क्या होगा आप है ना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट शेयर कर सकते हो गोडाउन का स्टोरेज का कॉस्ट शेयर कर सकते हो आपस में प्लस जो प्रॉफिट आएगा वो भी अपने इंडिविजुअल शेयर के हिसाब से आप शेयर कर लो कि जितना आपका था जितना आपका था और जितना आपका था हम शेयर कर लेंगे प्रॉफिट राइट right? तो अपने अपने हिसाब से हम प्रॉफिट भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है फार्मर्स क्या करते हैं अपना मार्केटेबल सरप्लस पूल करते हैं एंड देन दे सेलेक्ट टूगेदर एंड देन दे शेयर द प्रॉफिट Under this marketing, societies are formed by farmers to sell the output collectively and to take advantage of collective bargaining in order to obtain a better price. If you are offering only 10 kg in the market, तो कोई आपको क्या price offer करेगा? इतना छोटा सा तो आपका है surplus दे दो मुझे। जो price मैं बोल रहा हूँ उसमें दे दो। नहीं, अगर आपके पास में ज़्यादा surplus है, तो then you can bargain, you can negotiate and you can get a better price for that। तो यहाँ पे farmers का benefit होता है। मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुजरात एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री अमूल इट्स वन ऑफ द मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इन गुजरात इट हैज़ बिन वेरी सक्सेसफुल वो लोग क्या करते हैं मिल्क पूल करते हैं है ना हमने अभी तक क्या देखा कि लोग है ना सब्जियां पूल कर रहे हैं फार्म प्रोडक्ट्स पूल कर रहे हैं तो इट इज़ वन ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स ठीक है ये क्या है दे, डेरी प्रोडक्ट है तो पीपल आर इन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है लोग मिल्क पूल करते हैं लोग अपना अपना मिल्क एक इंडस्ट्री में देते हैं ठीक है एक जगह पर फिर उसका पेस्चराइजेशन प्रोसेस होता है ठीक है उस मिल्क को क्लीन करते हैं देन दे सेल इट तो यहाँ पे क्या है गुजरात में ये बहुत सक्सेसफुल रहा है उसकी वजह से गुजरात में बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है बिकॉज जितने भी लोगों ने मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन किया है ने, Now, थे फार्मर्स ने दे हैव सीन इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू द सोसाइटी फंक्शनिंग इन गुजरात नाउ कोऑपरेटिव मार्केटिंग बेनिफिट्स द फार्मर्स इन द फॉलोइंग वेस कैसे होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है आप सोचो सबसे पहले तो क्या हो सकता है फार्मर्स को बार्गेनिंग पावर मिलता है मैं दस केजी के जी लेके जाऊंगी पांच केजी ले के जी सरप्लस लेके जाऊंगी कुछ नहीं मिलेगा मैं मेरे दोस्तों के साथ मैं मिलकर लेकर जाऊंगी सौ किलो है हमारे पास में चलो बार्गेनिंग अच्छी होगी आपको बेटर प्राइस मिलेगा इट इम्प्रूवस द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स एज दे सेल से प्रोड्यूस टुगेदर थ्रू वन एजेंसी दे बिकम एन एजेंसी एंड देन दे आर सेलिंग इट टूगेदर तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हेल्प फार्मर्स इन देयर इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग देम क्रेडिट अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो हमने क्या देखा था आपको लोन भी मिलेगा तो अगर आप सोसाइटी के मेंबर हो तो आपको छोटा मोटा लोन भी इमीडिएट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपका वो भी फुलफिल होता है वो आपको रिपे कर देना है स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफन हैव स्टोरेज फैसिलिटीज सो फार्मर्स आर नॉट इन हरी टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड दे कैन वेट फॉर द बेटर प्राइजेस अगर आप एक कोपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो आपने कुछ अरेंजमेंट भी किया स्टोरेज फैसिलिटी का तो अगर आप पूल करके वहां पे रख रहे हो, say, अभी करने की तो अब आपको यू अ हरी लो प्राइस सेल करने की जरूरत नहीं है यू कैन वेट टू ऑपटेन बेटर प्राइस फैसिलिटी ऑफ बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फार्मर्स इज ऑफन चीपर एंड ईजियर अगर आप बल्क में लेके जाते हो तो क्या होता है प्राइस कम हो जाता है प्लस आप शेयर कर सकते हो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो वो बल्क होता है अगर तो ट्रांसपोर्टेशन चीप और इजियर हो जाता है नाउ हैव रिसीव्ड अ सेटबैक इन द रीसेंट पास्ट बिकॉज ऑफ क्यों इसको भी सेटबैक मिला वाई इन कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स, यहां पे भी हम सारे फार्मर मेंबर्स को कवर नहीं कर पाए

प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एवरीबडी तो वहाँ पे क्या होता है कोई रीपे, करता है, कोई रीपे नहीं करता है तो वहां पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी बहुत ज्यादा हिल जाती है राइट सो यू नीड टू स्ट्रेंथ इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इन सारी चीजों की वजह से कोपरेटिव ने भी सेटबैक रिसीव किया नाउ द लास्ट पॉइंट इज डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हमने क्या देखे मेजर्स देखे रेगुलेटेड मार्केट हमारे जो कॉपरेटिव सोसाइटीज सारे मेजर्स है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग तो so, उसका लास्ट पॉइंट है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द फॉलोइंग पॉलिसीज फर्स्ट वन इज एमएसपी जो मैंने आपको पहले बोला है मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस ये हमें याद रखना है एम नहीं है एमएसपी है याद रखना है मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस टू सेव कार द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स द गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक वीट राइस मेस कॉटन शुगर कैन पर्सेज एक्सेट्रा जो भी आ, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं उसके एक मिनिमम प्राइस सेट करना जो मैंने आपको समझाया आगे पहले ही कि एक मिनिमम प्राइस है इसके नीचे फार्मर को आप ऑफ़र नहीं कर सकते हो इसके ऊपर आप ऑफर करते हो दैट इज़ गुड इसके नीचे आप ऑफ़र नहीं करोगे सच प्राइस मे बी रिगार्डेड एज एन ऑफर प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू बाय एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स इससे क्या होता है गवर्नमेंट भी इस अमाउंट पे फार्मर्स पे ग्रेन परचेज कर सकती है अगर आप किसी रेगुलेटेड मार्केट में हो तो एमएसपी से कम आप ऑफर नहीं करोगे प्लस गवर्नमेंट खुद भी आपको एम एस से कम ऑफर नहीं करेगी प्राइस क्योंकि गवर्नमेंट आपसे ग्रेन्स परचेज कर रही है क्यों क्योंकि हमें बफर स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है ठीक है तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि यूज किया खुद के लिए भी कि इफ वी टू परचेज समथिंग फ्रॉम द फार्मर्स तो हम एमएसपी से नीचे उनको ऑफर नहीं करते कर हो इस प्राइस पे तो एमएसपी के बाद नेक्स्ट क्या पॉलिसी है मेंटेनेंस ऑफ बफर बफर स्टॉक स्टॉक क्यों चाहिए इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा कि हमने बहुत डाउनफॉल देखा क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले ही हमारा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया कैश क्रॉप हम ग्रो करने लग गए अब फाइनली आपके पास में फूड क्रॉप्स आ गए तो आपके पास में एक चांस है दैट तो यू परचेज द सरप्लस फ्रॉम फार्मर्स और आप बफर स्टॉक मेंटेन करो फॉर इमरजेंसी सिचुएशन ठीक है तो फूड क्रॉप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एफ सी आई वीट एंड राइस एट द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस टू मेंटेन द बफर स्टॉक बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन दस ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड इज यूज ड्यूरिंग दॉर्टेजेस इट हेल्प्स टू इंश्योर द रेगुलरिटी इन सप्लाई एंड स्टेबिलिटी इन प्राइजेस बफर स्टॉक क्या होता है हमने आगे वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था तो बफर स्टॉक से गवर्नमेंट क्या करती है शॉर्टेज के टाइम के लिए यूज़ करती है और जब सरप्लस होता है प्रोडक्शन में तब उसको परचेज करती है शॉर्टेज के टाइम पर उसको यूटिलाइज करती है शॉर्टेज हो गया कोई नेचुरल uh, डिजास्टर हो गया कोई कैलेमिटी होती है अगर नेशन में तो वहाँ पर हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जनरली क्या होता है वीट और राइस हम लोग बफर स्टॉक में रखते हैं बिकॉज दैट इज द फूड ग्रीन जो बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो प्राइसिस हमने एमएसपी में डिसाइड किया है उन्हीं प्राइसेस पे परचेज करती है नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पी याद रखना दैट इज वन मोर पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अवर कंट्री ऑपरेट्स टू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप्स फेट फ्राइज शॉप ऑफर ऑफर एसेंशियल कमोडिटीज लाइक वीट राइसिन एक्सेट्रा एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस टू दीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट ने बोला कि अब, 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 अब हम फार्मर्स का तो भला कर ही रहे ठीक है हम उनसे परचेस कर रहे हैं हम बफर स्टॉक मेंटेन करेंगे बट उन्होंने क्या ओपन किया राशन शॉप ओपन किया जहाँ पे क्या होता है जो पुअर पीपल है ठीक है जो फार्मिंग सेक्शन से नहीं बिलोंग करते लेबर हो सकते हैं आर्टिशन हो सकते हैं जो फार्मर्स नहीं है वो यहाँ पे आके फेयर प्राइस में ठीक है एक रीजनेबल प्राइस में वो लोग गुड्स परचेज कर सकते हैं दैट मीन्स गवर्नमेंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिनिमम होता है गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेलफेयर एक्टिविटी सोशल वेलफेयर एक्टिविटी के लोगों को एटलीस्ट ग्रेन मिलने चाहिए सस्ते प्राइस में ठीक है रीजनेबल प्राइजेस में दैट इज अब पी डी एस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पब्लिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे थ्रू फेयर शॉप्स और राशन राशन शॉप्स ठीक है तो यहाँ पे जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो आके परचेज करते हैं These instruments aim to protect the income of farmers and to provide food grains at a subsidized rate to the poor. यहाँ से गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं देखो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है तो हम सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं देखेंगे सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा इसीलिए गवर्नमेंट सब जगह इंटरवेंट करती है एंड दैट्स वाई यहाँ पे भी क्या है दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं फार्मर्स को कुछ कम नहीं मिलना चाहिए तो उनको भी उनके फेयर प्राइजेस मिलने चाहिए प्लस जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भी फूड ग्रीन अवेलेबल होने चाहिए बेसिक नेसेसिटीज उनकी भी फुलफिल होनी चाहिए नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हैज कम अ लॉन्ग वे विद इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट हाउ Agriculture markets are still dominated by the private traders like money lenders, rural political, rural political leaders and big merchants and rich farmers. That means क्या बोला जा रहा है कि हमने बहुत आगे we have progressed a lot because government थी बीच में government का intervention था Still क्या है बहुत सारे agricultural markets हैं जिनको कौन चलाता है मनी लेंडर्स चलाते हैं रिच लैंड लॉर्ड है या रिच फार्मर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो चलाते हैं ठीक है तो वो अपना फायदा देखते हैं दे लुक फॉर देयर ओन प्रॉफिट द क्वान्टिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैंडल्ड बाई द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूट ओनली टेन परसेंट वाइल द रेस्ट इज हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के इतने इंटरवेंशन के बाद में भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ टेन परसेंट ही हो पाता है बाकी कौन हैंडल कर रहा है प्राइवेट सेक्टर विच इज़ अ मेजर सेटबैक ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम सो अभी तक हमने क्या कवर किया कि फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे मार्केट्स में ठीक है जब फार्मर जाते थे बेचने देन उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया तो रेगुलेटेड मार्केट्स थे इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई बाद में डिफरेंट पॉलिसीज आई जहाँ पे एमएसपी था देन उसके बाद में हमने देखा कि पी का सिस्टम था बर्फ स्टॉक का सिस्टम था तो इन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ट्राई करी So, this is how government has tried to support the agricultural market system. Now, let us move on to our next video.